Hello everyone, welcome to our channel. My name is Himanshu Gupta and I am your mentor for UGC NET Commerce and Management. So, आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करने वाले हैं जो कि गिवन आपकी यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस के अंदर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर किया है. फर्दर वीडियोस के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे. बट देखिए, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला रिमेंबर करना है और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे आपको उस फॉर्मूले को पुट करना है और यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा. बट अगर हम बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको रेगुलर वीडियोस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहे. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी द फाइनेंशियल गोल ऑफ फर्म इज टू. तो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर फर्म का फाइनेंशियल गोल क्या होता है. आपके पास ऑप्शंस गिवन है, मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, इक्विटी के मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना. सेकंड है, मैक्सिमाइज द डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, यहाँ पे डिविडेंड जो देना है आपको गवर्नमेंट को उसको मैक्सिमाइज करना. और थर्ड है, मैक्सिमाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी रिटर्न्स. ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो देखिए इक्विटी का मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है. इक्विटी का मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है जो एक्सचेंज पे, एक्सचेंज आपके कौन होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, दैट इज NSE हो गया आपका, BSE हो गया. ओके, तो यहाँ पे एक्सचेंज पे किसी भी शेयर की जो बाइंग है या सेलिंग है. ओके, तो बाइंग की क्वांटिटी क्या है और सेलिंग की क्वांटिटी क्या है, इन दोनों के बेसिस पे इक्विटी का मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है. ओके, तो इसको मैक्सिमाइज करना किसी भी फॉर्म का फाइनेंशियल गोल नहीं होता है. यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट प्राइस है वो डिटरमाइन होता है जो भी शेयर होल्डर्स हैं. ओके, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन से. ओके, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, मैक्सिमाइज द डिविडेंड टू द गवर्नमेंट. अब देखिए, आपको पता ही होगा कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी होती है. ओके, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर क्या बोला जाता है, कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% या उससे ज़्यादा अगर उसका स्टेक गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी मानी जाएगी. ओके, अब देखिए पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है. ओके, जैसे कि BSNL. ओके, तो BSNL जैसी कंपनी जो है जिसका 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास है. बट कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर 50% या 55% मान लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट के पास है. ओके, तो देखिए 55% गवर्नमेंट के पास है तो अदर 45% किसके पास होगा. देखिए अदर 45% के अंदर आपके जो नॉर्मल पीपल हैं, दैट इज पब्लिक का या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं. ओके, आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं. ओके, तो इन सब का भी स्टेक होता है. तो यहाँ पे किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का फाइनेंशियल गोल ये नहीं हो सकता कि जो गवर्नमेंट को डिविडेंड देना है केवल उसी को मैक्सिमाइज करना है. ओके, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी का फाइनेंशियल गोल होगा जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सभी के इक्विटी रिटर्न को मैक्सिमाइज करना. ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मैक्सिमाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी रिटर्न्स. तो यहाँ पे इक्विटी रिटर्न्स का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का फाइनेंशियल गोल होता है. देखिए यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट वैल्यू होता है इक्विटी रिटर्न्स का, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है. देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू जो भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा उसको आपको डिस्काउंट करना है 1+ कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. ओके, प्लस ऐसे ही आपको डिविडेंड जो आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा, ओके, थर्ड ईयर में मिलेगा और ये इनफाइनाइट तक, दैट इज डिविडेंड एन अपॉन में 1+k की पावर n. ओके, एन पीरियड तक मिलेगा आपको. तो इसको कैलकुलेट करके आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा और इसको मैक्सिमाइज करना किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल गोल होता है. ओके,
तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज कैश फ्लो आइडेंटिटी। तो यहां पे आपको चार इक्वेशंस गिवन है और आपको यहां पे बताना है कि कौन सी इक्वेशन कैश फ्लो आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर रही है। तो देखिए कैश फ्लो आइडेंटिटी होती क्या है, किसी भी चीज की आइडेंटिटी ये होती है कि वो कौन सी चीज एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें बैलेंस शीट आइडेंटिटी की, ओके, तो बैलेंस शीट आपको क्या शो करता है, बैलेंस शीट आपको शो करता है कि यहाँ पे आपके असेट्स आती हैं, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज आती हैं। ओके, तो लाइबिलिटी के साथ साथ इसके अंदर क्या आता है, कैपिटल। ओके, और यहाँ पे आपके असेट्स हो, तो यहाँ पे बैलेंस शीट आइडेंटिटी क्या होती है, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, तो ये आपकी बैलेंस शीट आइडेंटिटी। इन द सिमिलर वे आपका जो कैश फ्लो आइडेंटिटी होता है, कैश फ्लो आइडेंटिटी ये क्या होता है आपका, कैश फ्लो फ्रॉम असेट्स इक्वल्स टू कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। ओके, तो आप इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, देखिए आपकी जो बैलेंस शीट आइडेंटिटी है और जो आपका कैश फ्लो आइडेंटिटी है बिल्कुल सिमिलर है। देखिए यहाँ पे आपके कैश फ्लो फ्रॉम असेट्स, दैट इज बैलेंस शीट का आप असेट देख सकते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्रॉम स्टॉक होल्डर्स। ओके, तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम क्रेडिटर्स आपका किससे मैच कर रहा है, आपकी लाइबिलिटीज के साथ, और आपका स्टॉक होल्डर्स किससे मैच कर रहा है, कैपिटल के साथ, दैट इज इक्विटी कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम असेट्स इक्वल्स टू कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, मार्क लिमिटेड हैज अ डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 1.6। ये किसका है, मार्क का, एज कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 1.4। और इंडस्ट्री का एवरेज कितना है, 1.4। दिस मीन्स दैट द कंपनी, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है जो मार्क लिमिटेड है उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, 1.6, और इंडस्ट्री का एवरेज कितना है, 1.4। इंडस्ट्री के अंदर आपकी क्या आती है, मार्क लिमिटेड के जैसी और भी जो कंपनियां हैं सेम इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे उनका डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, एवरेज, उनका एवरेज डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, 1.4, मार्क लिमिटेड का कितना है, 1.6। तो इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है आपका, टोटल लाइबिलिटीज अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो ये होता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, दैट इज ऊपर वाला आपका क्या है, डेब्ट है, और नीचे वाला आपका क्या है, इक्विटी है। ओके, सो देखिए यहां पे अगर मान लीजिए डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका कितना है, 1.6, दैट इज अगर आपके पास 100 रुपए की कैपिटल है तो आपके पास डेब्ट कितना है उसके लिए, 160 रुपीज का। ओके, बट इंडस्ट्री के अंदर अदर कंपनीज का क्या है, 100 रुपए की कैपिटल है अगर उनके पास, तो उनके पास डेब्ट कितना है, 140 रुपीज का। इसका क्या मतलब है, कंपनी ज्यादा लोन ले पा रही है यहाँ पे। ओके, सो देखिए यहाँ पे बोला गया है विल नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी विद इट क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स से वो ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करेगी, बट ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, देखिए यहाँ पे उसके पास लोन ज्यादा है तो क्रेडिटर्स डिमांड ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अगर डिमांड ज्यादा करेंगे तो उसको डिफिकल्टी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, कम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपसे हैज लेस लिक्विडिटी देन अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि उसके पास लिक्विडिटी कम है एज कंपेयर टू अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए उसके पास डेब्ट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज उसके पास कैश जो है वो ज्यादा होगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपसे क्या कह रहा है, विल बी व्यूड एज हैविंग हाई क्रेडिट वर्दीनेस, तो यहाँ पे उसकी हाई क्रेडिट वर्दीनेस मानी जाएगी, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आपसे विल बी व्यूड एज हैविंग लो क्रेडिट वर्दीनेस, तो यहाँ पे उसकी हाई क्रेडिट वर्दीनेस है या लो क्रेडिट वर्दीनेस है। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फॉर्म्स है उनको एवरेज कितना मिल रहा है, 140 रुपीज का डेब्ट मिल रहा है अगर उनके पास 100 रुपए की इक्विटी है, बट यहाँ पे जो मार्क लिमिटेड है
उसको 160 रुपीस का क्रेडिट मिल रहा है अगर उसके पास 100 रुपए की इक्विटी है। ओके, दैट इज जो यहाँ पे मार्क लिमिटेड है ये ज्यादा डेप्ट बोरो कर पा रही है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस ज्यादा है, दैट इज उसको लोन इजिली मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अवेलेबल ओनली इफ, तो यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट कब अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है। देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट बोरो कर रहे हो, ओके, डेप्ट आप ज्यादा से ज्यादा बोरो करके आपकी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिटर्न अगर आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट बोरो कीजिए और उसके बाद उस डेप्ट को इन्वेस्ट करके उस पर जो रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न को आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, तो ये जो रिटर्न है ये रिटर्न हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू, देखिए ये जो आपका रिटर्न है ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो डेप्ट होल्डर्स हैं इनको जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका आएगा इंटरेस्ट पेबल। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या बोला गया है कि जो आपका रिटर्न है वो ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो भी आपको डेप्ट होल्डर्स को रिटर्न पे करना है। सपोज आपने डेप्ट होल्डर से 100 रुपीज बोरो करे एट द रेट ऑफ 4%। ओके, तो आपको नेक्स्ट ईयर कितना देना होगा, 104। ओके, आपने इसको इन्वेस्ट करा 100 रुपीज को एट द रेट ऑफ 7%, तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ईयर कितने रुपए हो जाएंगे, 107। तो इसमें से आपने डेप्ट होल्डर्स को पेमेंट कर दी 104 की, तो यहाँ पे आपके पास टोटल रिटर्न कितना आ गया, 3 रुपीज का। अब ये 3 रुपीज को अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, सो यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मतलब हुआ कि अगर आप डेप्ट को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हैं और उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सो दैट उस रिटर्न से जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनके रिटर्न को आप मैक्सिमाइज करें, उनके रिटर्न को आप बूस्ट करें, तो यहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू रेट ऑफ रिटर्न से। ओके, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका होगा, डेप्ट का। ओके, जो भी आपने डेप्ट लिया हुआ है उस पर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है उससे ज्यादा होना चाहिए जो भी आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एवरी कंपनी इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे बोला गया है कि किसी भी कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन सी चीजों से होती है। तो आपके पास ऑप्शंस गिवन है, लिक्विडिटी अकाउंटेबिलिटी लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी लायबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लायबिलिटी लिक्विडिटी। सो देखिए, किसी भी कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो दो चीजों से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, दैट इज लिक्विडिटी पोजीशन क्या है कंपनी की और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इन दोनों के बेसिस पे जो क्रेडिट पॉलिसी है कंपनी की वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल नाउ। अगर आपको हमारे कोर्सेज परचेस करने हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप हमारे गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।